Welcome to all, myself Dr. Haren. Today I am going to discuss predation, predator, Lockter-Volterra predation equations, functional and numerical response. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिडिक्शन क्या होता है, प्रिडेटर क्या होता है, Lockter-Volterra प्रिडिक्शन इक्वेशन के एजम्पशन को हम डिस्कस करेंगे, Lockter-Volterra प्रिडिक्शन इक्वेशन फॉर प्रे एंड प्रिडेटर को हम डिस्कस करेंगे, हार्मोनिक मोशन ऑफ प्रे प्रिडेटर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, फंक्शनल रिस्पॉन्स एंड इट्स टाइप को हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स को डिस्कस करेंगे. प्रिडेशन एंड प्रिडेटर, द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ प्रिडेशन एज द कंजप्शन ऑफ वन लिविंग ऑर्गेनाइजम बाय अनदर एक्सक्लूड्स स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स. एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनाइजम्स को खाता है, जो खाया जाता है उसे प्रे कहा जाता है, जो खाता है उसको प्रिडेटर कहते हैं, उसमें हम स्कावेंजर्स और डिकम्पोजर्स को इंक्लूड नहीं करते. टर्म प्रिडेटर और टू प्रिडेटर फॉर स्पीसीज डेट किल देयर प्रे मोर और लेस इमिडिएटली अपॉन कैप्चर. दीज प्रिडेटर्स टिपिकली कंज्यूम मल्टीपल प्रे ऑर्गेनाइजम्स एंड कंटिन्यू ओवर देयर टाइम टू फंक्शन एज एजेंट्स ऑफ मॉर्टलिटी ऑन प्रे पॉपुलेशन. ट्रू प्रीडेटर, ये जो टर्म है, उन स्पीसीज के लिए यूज किया जाता है जो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, किल करते हैं और उन्हें खा लेते हैं. और ये प्रे के पॉपुलेशन के लिए क्या है, मॉर्टलिटी का एजेंट का काम करते हैं और लाइफ टाइम उन्हीं पे क्या है, उन्हीं पे डिपेंडेंट रहता है, यानी उनको खाता है. इन कंट्रास्ट मोस्ट हर्बीवोर्स कंज्यूम ओनली पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल प्लांट. एल्दो दिस एक्टिविटी में हार्म द प्लांट, इट यूजली डज नॉट रिजल्ट इन मॉर्टलिटी. सीड प्रीडेटर्स एंड प्लैंक्टिवोर्स आर एक्सेप्शन. दीज हर्बीवोर्स फंक्शन एज ट्रू प्रीडेटर. जो बहुत सारे जो हर्बीवोरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जस्ट किसी प्लांट के पार्ट को खाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की डेथ नहीं होती, यानी मॉर्टिलिटी नहीं होती है. बट कुछ प्रीडेटर जो पूरे सीड्स को खा लेता है, या कुछ प्रीडेटर ऐसे होते हैं, या प्लांट सॉरी एनिमल ऐसे होते हैं जो पूरे प्लांट को खा लेता है, उनको ट्रू प्रीडेटर कहा जाता है. द पैरासिटॉइड्स कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एग लेइंग बिहेवियर ऑफ एडल्ट फीमेल्स एंड द डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ देयर लार्वा. द पैरासिटॉइड अटैक्स द प्रे इनडायरेक्टली बाय लेइंग इट्स एग ऑन द होस्ट बॉडी. When the eggs hatch, the larva feed on the host, slowly killing it. Parasitoids एक ग्रुप और क्लास है जिसमें कुछ इंसेक्ट्स को रखा गया है, जिनका बिहेवियर क्या है, एग लेइंग है. वो अपने होस्ट के ऊपर क्या है, एग को ले कर लेते हैं और उसके एग से जब लार्वे हैच आउट हो जाते हैं, वो लार्वा धीरे धीरे क्या है, अपने होस्ट को किल करना स्टार्ट कर देता है. बट ये इनडायरेक्ट किलिंग है, जिसकी वजह से जो होस्ट होता है उसके धीरे धीरे मौत होती है. इसको भी हम क्या कह सकते हैं, प्रीडेटर कह सकते हैं. एजम्पशन ऑफ Lockter-Volterra प्रिडेशन इक्वेशंस. Lockter-Volterra जो प्रिडेशन इक्वेशन दिया गया है, ये कई एजम्पशन पे डिपेंड करता है. Lockter-Volterra ने पहले कंपटीशन के लिए मॉडल दिया था, बट बाद में इन्होंने क्या है कि प्रे प्रेडेटर के इंट्रैक्शन पे भी इक्वेशन दिया, और वो इक्वेशन कई सारे एजम्पशन पे डिपेंड था. तो हम वही एजम्पशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. प्रेडेटर कैन ईट लिमिटलेस. फर्स्ट एजम्पशन यह है कि जो प्रेडेटर है वो लिमिटलेस खा सकता है जब तक वो सैचुरेटेड ना हो जाए. नंबर सेकंड, सप्लाई ऑफ फूड रिसोर्स डिपेंड्स ऑन द प्रे पॉपुलेशन साइज. प्रीडेटर पॉपुलेशन के लिए जो फूड सप्लाई है
वो प्रे पॉपुलेशन पे पॉपुलेशन या प्रे साइज पे डिपेंड करता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इट्स साइज। प्रीडेटर का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये टोटली डिपेंड करता है प्रीडेटर के प्रे के पॉपुलेशन साइज पे। इन्वायरमेंट इज कॉन्स्टेंट, ये अजम्पशन है कि ये तभी हो सकता है ये प्रे प्रीडेटर इंटरेक्शन जब इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंट होगा। ऑल टाइम अनलिमिटेड फूड सप्लाई फॉर प्रे। प्रे प्रीडेटर इक्वेशन में ये अजम्पशन है कि जो फूड सप्लाई होगा किसी भी प्रे के लिए वो अनलिमिटेड होगा। लॉक्टा वोल्टेरा प्रिडिक्शन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है ये प्रे के लिए इक्वेशन है। इसमें जो एक्स है, एक्स यानी ये है प्रे पॉपुलेशन, और जो यहाँ वाई है ये है आपका प्रीडेटर पॉपुलेशन। बीटा एक्स वाई का मतलब है कि प्रे और प्रीडेटर का इंट्रैक्शन। यहाँ पे जो ए एक्स है ये चेंज इन प्रे पॉपुलेशन है, यानी डी एक्स अपॉन डी टी। अगर मान लीजिए कि अगर ये वाई क्या है जीरो हो जाए, यानी आपके किसी भी हैबिटेट में प्रीडेटर क्या है एब्सेंट हो जाए यानी जीरो हो जाए, तो ये जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स पूरा जीरो हो जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि अब क्या है कि जो प्रीडेटर का सॉरी जो प्रे का जो पॉपुलेशन है वो क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा। प्रीडेटर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये प्रीडेटर के लिए है। यहाँ पे जो गामा वाई है ये इसको रिप्रेजेंट करता है मॉर्टेलिटी को। मॉर्टेलिटी यानी किसकी वजह से, या नेचुरल डेथ की वजह से हो माइक, या तो ये गामा वाई इसको भी रिप्रेजेंट करता है, माइग्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, या तो मॉर्टेलिटी क्या है प्रे के पॉपुलेशन के बीच में आपस के इंट्रैक्शन की वजह से हो। किसी भी वजह की जो मॉर्टेलिटी हो वो गामा वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा एक्स वाई का मतलब यहाँ पे है कि जो प्रीडेटर का चेंज इन प्रीडेटर पॉपुलेशन, जो कि डी वाई अपॉन डी टी है। अगर यहाँ पे प्रे पॉपुलेशन क्या है अगर जीरो हो जाए, यानी किसी भी हैबिटेट में प्रे पॉपुलेशन क्या है जीरो हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो आपका ये जीरो मल्टीप्लाई बाय ये पूरा सिस्टम तो ये जीरो हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो प्रीडेटर है उसका एक्सपोनेंशियल क्या है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा या एक्सपोनेंशियल डिके हो जाएगा। हार्मोनिक मोशन ऑफ प्रे प्रीडेटर सिस्टम, ये दिया गया था लॉक्टा वोल्टेरा के द्वारा। ये जो रेड लाइन है ये प्रीडेटर को शो कर रहा है, और ब्लैक लाइन क्या है आपका प्रे को शो कर रहा है। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ही जो प्रीडेटर का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुआ, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो प्रे का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गया है। और जैसे ही प्रे का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गया है, तो जो प्रीडेशन है क्या है इंक्रीज हो जाता है इसी वजह से। और जो प्रीडेटर होते हैं उनकी फिकंडिटी रेट इंक्रीज होती है, इसलिए प्रीडेटर के जो पॉपुलेशन है वो भी साइज में इंक्रीज होने लगता है। जैसे ही प्रीडेटर की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ये जो प्रे की पॉपुलेशन है क्या है प्रीडेशन की वजह से क्या है वापस क्या है कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही प्रे की पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी, जो प्रीडेटर है उनको फूड अवेलेबल नहीं होगी, उनके भी जो फिकंडिटी रेट है वो कम हो जाएगा, इसी वजह से क्या हो जाएगा प्रीडेटर की पॉपुलेशन भी क्या है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को हार्मोनिक मोशन कहा जाता है, जो कि लॉक्टा वोल्टेरा के द्वारा दिया गया था। फंक्शनल रिस्पॉन्स, द इंग्लिश एंटामोलॉजिस्ट एमी सेलमोन इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ फंक्शनल रिस्पॉन्स इन 1949। इन 1959 हॉलिंग एक्सप्लोर्ड द कंसेप्ट इन मोर डिटेल।
फंक्शनल रिस्पॉन्स जो कंसेप्ट फर्स्ट टाइम सोलोमोन ने दिया था 1949 में, बाद में क्या है हॉलिंग ने इसको इस आइडिया को और डिटेल में स्टडी किया। फंक्शनल रिस्पॉन्स वेयर द कंजप्शन रेट ऑफ प्रिडेटर इंक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रे पॉपुलेशन डेंसिटी। कहने का मतलब है कि कंजप्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा जब प्रे का डेंसिटी क्या है ज़्यादा होगी। जो टाइप ऑफ फंक्शनल रिस्पॉन्सेस, अगर फंक्शनल रिस्पॉन्सेस के लिए अगर हम क्या करते हैं कर्व बनाएंगे तो कर्व थ्री टाइप्स का आता है। नंबर फर्स्ट जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये कर्व क्या है लीनियर है। ये कर्व शो कर रहा है कि इनिशियली क्या है कि जो कंजप्शन है वो कम है, फिर ये इंक्रीज हो गया जैसे जैसे प्रे के जो डेंसिटी है पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है, और प्रिडेटर तब तक प्रे को खाता रहेगा जब तक वो क्या है सेचुरेटेड ना हो जाए, यानी तृप्त ना हो जाए, फिर उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो इस टाइप का जो कर्व शो करता है ये फिल्टर फीडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, और क्या है जो स्पाइडर्स होते हैं वो भी इस टाइप के कर्व को शो करता है। जो फिल्टर फीडर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनके माउथ के थ्रू वाटर, एक कांस्टेंट अमाउंट का वाटर उसके बॉडी में एंटर करते हैं, और उनके पास फिल्टर करने के लिए एपरेचर होते हैं जो प्रे को क्या है फिल्टर कर लेते हैं और उनको क्या करते हैं डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही क्या जो आपका स्पाइडर है जो वेब में जितने भी उनके जो प्रे फंसे हुए होंगे वो सबको खाना स्टार्ट कर देता है। ये तब तक करते रहते हैं जब तक वो इससे सेचुरेटेड ना हो जाए। टाइप टू फंक्शनल रिस्पॉन्स कर्व, ये टाइप टू फंक्शनल रिस्पॉन्स कर्व ये नेचर में बहुत कॉमन है। इसमें क्या है सेम जो इनिशियल स्टेज में क्या है कि आपका कंजप्शन रेट स्लो होता है, बट जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है कंजप्शन रेट हाई हो जाता है, और बाद में ये कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि ये तब तक खाते रहते हैं जब तक क्या है कि सेचुरेटेड ना हो जाए। अब इसमें एक कंसेप्ट बात आती है कि जो इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो प्रीडेटर आपके होते हैं, ये प्रिडेटर क्या है कि लिविंग जो आपके प्रे होते हैं उसको सर्चिंग करता है, और क्या है कि उसको हैंडलिंग करता है, सर्चिंग करता है और हैंडलिंग करता है। तो जो इसमें हैंडलिंग है, हैंडलिंग का मतलब है चेजेस करना, उसको कैप्चर करना, उसको किल करना और डाइजेस्ट करना। तो इसमें जो सेकंड टाइप के रिस्पॉन्स जो कर्व होता है इसमें क्या होता है कि सर्चिंग टाइम क्या होता है यहाँ जीरो होता है, बस हैंडल जो पूरा जो एनर्जी है प्रीडेटर वो बस हैंडलिंग में प्रे के हैंडलिंग में गुजार देता है। इस टाइप के कर्व में क्या होता है कि प्रे की जो डेंसिटी है जो इंक्रीज होती है तो मोर्टिलिटी क्या है डिक्रीज होती है। टाइप थर्ड सिग्मोइड टाइप का कर्व होता है, यानी हम कहते हैं सिग्मोइड टाइप फंक्शनल रिस्पॉन्स कर्व कहते हैं, जिसको टाइप थर्ड फंक्शनल रिस्पॉन्स कर्व कहते हैं। ये बिल्कुल क्या है कि टाइप सेकंड रिस्पॉन्स कर्व की तरह होता है और एक्सप्लेनेशन भी सेम है, बट इसके थ्री फैक्टर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट जो फैक्टर है कि अगर इनिशियल स्टेज में अगर प्रे की जो डेंसिटी है अगर वो कम होगा तो वो अपने हैबिटेट में क्या है आसानी से हाइड हो सकता है। तो हाइड होने की वजह से जो प्रीडेटर होगा उसको क्या है ढूंढ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसके पॉपुलेशन क्या है वो किल होने से बच जाएगा, या उसका जो पॉपुलेशन है थोड़ा बच जाएगा। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होती तो क्या है कैप्चर करना आसान हो जाता। ये था फर्स्ट फैक्टर। नंबर सेकंड फैक्टर है कि ये फैक्टर को समझाने के लिए एल टिनबर्जन ने एक टर्म दिया, उस टर्म को कहते हैं सर्चिंग इमेज।
सर्चिंग इमेज का मतलब यह है कि किसी भी हैबिटेट में अगर कोई प्रे इंट्रोड्यूस हो जाए, अगर प्रे इंट्रोड्यूस हो जाए तो जो प्रीडेटर होता है वो उसको एज अ फूड फर्स्ट टाइम क्या है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, बट बाद में अगर जब वो कैप्चर कर लिया जाता है, किल किया जाता है, तो प्रीडेटर को ये पता चल जाता है कि ये जो प्रे है एज अ फूड भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या है कि जो उसके वो उस पे फीड करना स्टार्ट कर देता है, यानी उसको किल करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे क्या है, पॉपुलेशन डिस्पर्स भी हो सकता है और इसकी जो प्रे की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज भी हो सकती है। अगर ऐसा अगर ये प्रे की पॉपुलेशन डिस्पर्स या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, जो प्रिडेटर है उसमें से ये जो सर्चिंग इमेज है ये खत्म हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, दूसरे प्रे की तरफ अपना फोकस करेगा और उसको हंट करना स्टार्ट कर देगा, यानी उसको कैप्चर करके किल करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद आता है कि थर्ड जो फैक्टर है, थर्ड फैक्टर का मतलब ये है कि कुछ जो प्रिडेटर्स होते हैं वो क्या है, एक स्पेसिफिक प्रे को ही पसंद करते हैं खाने के लिए, तो उसी प्रे को क्या करेगा, कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा, किल करना स्टार्ट कर देगा। या तो ये भी हो सकता है कि जो प्रे की पॉपुलेशन उस हैबिटेट में सबसे ज़्यादा होगी उसको आराम से कैप्चर किया जा सकता है, उसको आराम से किल किया जा सकता है और एज अ फूड यूज़ किया जा सकता है। न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स मीन्स इंक्रीज इन प्रीडेटर डेंसिटी ऑन इंक्रीज इन प्रे पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू डायरेक्ट रिस्पॉन्स, दैट इज ऑन इंक्रीज इन प्रे डेंसिटी द फिकंडिटी रेट ऑफ प्रीडेटर इंक्रीजेस एंड एग्रीगेशन रिस्पॉन्स। कहने का मतलब है कि जो अगर प्रे डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो प्रीडेटर डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। कैसे, कि जो प्रीडेटर है उनको खाने के लिए क्या है कि अल्टीमेट जो भी क्या है प्रे पॉपुलेशन अवेलेबल होगा उनको कैप्चर करेगा, किल करेगा और उनको खाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या है न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो क्या है प्रेडेटर पॉपुलेशन में इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी उनमें क्या है कि फूड के लिए कंपटीशन नहीं रह जाएगा, तो फिकंडिटी रेट क्या है उस पॉपुलेशन में यानी प्रेडेटर पॉपुलेशन में इंक्रीज हो जाएगा। तो वही फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, एज द प्रे पॉपुलेशन साइज इंक्रीज द कंजप्शन रेट ऑफ प्रीडेटर इंक्रीज लीड टू ए हाई फिकंडिटी रेट एंड लो मोर्टेलिटी रेट, यानी प्रीडेटर की फिकंडिटी रेट इंक्रीज हो जाएगी और मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे प्रे का जो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगा। एग्रीगेशन रिस्पॉन्स, प्रीडेटर्स एग्रीगेशन इन प्रे हॉट स्पॉट्स इज कॉल्ड एग्रीगेशन रिस्पॉन्स, दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इंक्रीज प्रे प्रीडेटर सिस्टम स्टेबिलिटी। कहने का मतलब है कि जहाँ पे प्रे पॉपुलेशन या डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे जो प्रीडेटर क्या होगा कि एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, उस एरिया पे ही प्रीडेटर भी मिलेगा और प्रे भी मिलेगा। तो जहाँ पे ये जो प्रे किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में ज़्यादा मिलता है और उसको हम कहते हैं हॉटस्पॉट कह देते हैं, और इस टाइप का जो रिस्पॉन्स होता है वो प्रे प्रिडेटर सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रिडेशन को, प्रिडेटर को, लॉक्टा वोल्टेरा प्रिडेशन इक्वेशन के एजम्पशन को, लॉक्टा वोल्टेरा प्रिडेशन इक्वेशन में प्रे इक्वेशन और प्रिडेटर इक्वेशन को हमने डिस्कस किया, हार्मोनिक मोशन ऑफ प्रे प्रिडेटर सिस्टम को डिस्कस किया, फंक्शनल रिस्पॉन्स और उसके टाइप को हमने स्टडी किया, और लास्ट में हमने न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स को भी हमने डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।